तिमारपुर विधानसभा के सदर बाजार के प्रमुख समाज सेवी व दिग्गज नेता प्रेम वधवा की कांग्रेस में घर वापसी। उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। प्रेम वधवा जी ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव तथा अन्य कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में वापसी की। देवेंद्र यादव जी ने प्रेम वधवा का कांग्रेस में स्वागत किया। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि प्रेम भाई जो हमारे पुराने साथी हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती के साथ फॉलो करते हैं, आज पुनः पार्टी की विचारधारा में शामिल हुए हैं। मैं इनका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आने से पूरे क्षेत्र में और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मजबूती प्रदान होगी। भाई प्रेम वधवा जी पिछले काफ़ी सालों तक पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न पदों पर रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे साथी हमें हमेशा ज़रूरत रहती है और प्रेम भाई को जो इज्जत और सम्मान जिसके वो हकदार हैं उनको इस पार्टी में पुनः वो इज्जत और जो इनका हक है वो दिलाने का काम करें। कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हुए जिन्होंने बहुत लंबा समय कांग्रेस की सेवा में और कांग्रेस को मजबूत करने में लगाया, तो जब वो दूर जाता है तो उसका दुख तो होता ही है, तो हमें भी वो दुख हमेशा रहा, लेकिन मुझे खुशी है कि आज प्रेम भाई वापस यहाँ से साथी हो गए हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में आपका सहयोग आने वाले समय में मिलेगा। पार्टी निश्चित ही इनके आने से, भाई जी के आने से, आप सबके आने से पार्टी निश्चित ही मजबूत हुई है और इसका असर भी आने वाले समय में देखने को पहले भी सीनियर ऑफिस में रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में, आपके सानिध्य में हमें पार्टी को मजबूत करने का मौका मिलेगा। आपको निश्चित ही जो सम्मान आपका है, तो सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि हमेशा से ही पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ आपने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भी पुनः पार्टी को खुले मन से और खुले हाथों से आपका स्वागत करते हैं। मैं वहाँ पर बहुत परेशान हो गया था, मैं चला तो गया पर मैं अपनी परेशानी बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे को ना झांसे में ले गए या कैसे भी ले गए, बाकी मैं जितने दिन भी रहा हूँ बड़ा परेशान हूँ। अब मैं अपने घर में आया हूँ, जिस दिन से मेरी इनसे परसों अध्यक्ष जी से बात हुई थी मैं आराम से सो रहा हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं वैसे ही काम करूँगा जैसे मुझे अध्यक्ष जी बताएंगे, उनके काम के मैं बिल्कुल खड़ा उतरूँगा कहीं कोई भी काम। आज कितने लोग शामिल हुआ सर आपके साथ में? टोटल थे कोई लगभग 100 आदमी। तो आप भी शामिल हुए थे, क्या मतलब कांग्रेस को किस तरह मजबूत करेंगे? आने वाले चुनाव आ रहे हैं दिल्ली विधानसभा, तो सबको पता है वो उनका पोल खुली है, झूठे लोग हैं, वो झूठे लोग हैं बिल्कुल, उनका तो परेशानी सब लोगों को पता है। अब बिजली के बिल देख लो कितने दाम हो गए हैं, बहुत बढ़ के आए हैं, बिजली के बिल आ गए हैं, इससे क्या कह, बड़ी परेशानी है। अब मानोगे चांदनी चौक से आप बैठो बस पे, आपको बस खाली मिलेगी, 10-10 बसें खाली पड़ेंगी, तो ये ट्रैफिक जाम हो रहा है इस चक्कर में, और को वजह नहीं है, क्या मतलब है बस इतनी लाने का? मैं कहता हूँ ठीक है, फ्री करा जो भी किया आपने, बाकी बसें ऐसे नहीं चलती, आप फतेहपुरी से लेकर अपना पीलीकोटी तक आ जाओ, आपको 20-20 बसें खाली मिलेंगी, ई रिक्शे, जाम की काफ़ी भयंकर समस्या, बहुत ट्रैफिक इसी वजह से जाम है। सर आपका क्या नाम है? मेरा जी के सबरवाल नाम है जी। तो आज आप सर कांग्रेस में दोबारा वापसी, आप परिवार में शामिल हुए सर प्रेम वधवा जी के साथ, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा है आके, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे वधवासी काम करेंगे, पहले भी करते आए हैं, और सीट जीत के दिखाएंगे उधर से। तो प्रेम वधवा जी आगे मतलब कांग्रेस की अपनी पूरी टीम को किस तरह मजबूत करेंगे? सर पहले से भी ये मजबूत करते हैं और पहले से ज़्यादा मजबूत करेंगे। क्या विजन है मतलब इस बार दिल्ली में कांग्रेस किन मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ेगी इस बार? देखो जो पार्टी का निर्देश होगा उस हिसाब से चलेंगे, और बाकी बड़ा अच्छा होगा आने वाले टाइम में, देख ही रहे हैं आप चल रहा है सब बढ़िया सिस्टम। मैं तो बहुत खुशी है और हमारी मजबूताई अब होगी, और महात्मा जी के आने से कुछ पार्टी बहुत ज़्यादा पार्टी में बढ़ोतरी हो गया। तिमारपुर विधानसभा में क्या लगता है इस बार आपको? अब क्या
तिमारपुर विधानसभा के हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। भाई प्रेम वाधवा की जाने से तिमारपुर विधानसभा में एक जो पहले भी उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन अब जो इनके वापसी आने से बहुत कुछ लोगों के गुस्सा हुआ है, और जो कुछ लोग छोड़ के चले गए थे कुछ कमी रह गई थी लोगों में, जो कुछ सीन में भी थी जो बिजनेस की कमियाँ थी जिस वजह से गए थे, लेकिन आज बहुत बड़ी खुशी है कि आज ये वापसी अपने परिवार में वापसी आए हैं, और इनके आने से तिमारपुर विधानसभा में काम भी होंगे और लोगों को खुशहाली मिलेगी। और सबसे बड़ी मलकागंज की जो परेशानी जाम की परेशानी, रोड टूटे उसकी परेशानी, सीवर की परेशानी, ट्रैफिक जाम की परेशानी, विधायक जो है कभी आगे राजी नहीं। उम्मीद है भाई प्रणव जी से कि हमारी सारी परेशानी मलकागंज की क्या तुम्हारे विधानसभा की पूरी परेशानी दूर करेंगे, इनसे उम्मीद है। हाँ जी, कांग्रेस लाओ देश बचाओ, और वधवा जी हमारे बहुत अच्छे MLA साहब रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट जीत के आएंगे। अच्छा, तो इस बार तिमार बोलते हैं प्रेम आत्मा जी को चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी, लड़ाना जी, चुनाव क्या लगता है आपको प्रेम आत्मा जी? क्योंकि जो इनकी काम इन्होंने किए हैं, जब ये निगम पार्षद थे भी नगर के, अपने आप लोग इनको बुला के लाएंगे। अब अपने आप आए हैं लोग, 100-150 लोग हैं, तो 100 कह रहे हैं, 150 है मेरे हिसाब से, बस ये कहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, अपने आप आए हैं, सबको पता लगा प्रेम बाधवा जी आए, इनका चेहरा देख के, इनके काम देख के बदलाव तो होगा। टमाटर फिर हो गए 120 रुपये, प्याज 100 रुपये, दूध बढ़ गया 2 रुपये किलो, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बढ़ तो रही है, सबको दिख रही है। लगता कांग्रेस के आने से कुछ लगेगा? हाँ जी, जरूर होगा जी। क्या नाम है आपका? अबरार अंसारी। क्या कहना चाहेंगे सर प्रेम आदवा जी के आने से, क्या लगता है कांग्रेस में क्या एक नई ऊर्जा नहीं जानेगी सर? कांग्रेस साहब में आने के बहुत मजबूती होगी और ये अच्छा काम करेंगे, और ये वैसे भी करते ही हैं, सबों को पता ही है, इनका काम बहुत अच्छा करते हैं। नाम बताइए। मैं आसिफ अली अब्बासी प्रेम आदवा जी के लिए कह सकता हूँ कि अभी भी बहुत साल से सोशल काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी में चले गए थे जिससे हमारी कांग्रेस क्षेत्र में कमज़ोर हो गई थी। अब बधवा जी आ गए हैं तो हमारे क्षेत्र में मजबूत हो जाएगी कांग्रेस, और आने वाले विधानसभा में हम इनको चुनाव की लड़ाने की कोशिश भी करेंगे, अगर टिकट मिल जाता है तो ये आने वाले टाइम में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार बना सकती है। धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरे को मौका दिया, बाकी मैं जब से गया हूँ मेरा काम भी धंधा हो गया था, तो आज काम यही किया। जमाने में कहा टूटी हुई तस्वीर बनती है, कांग्रेस के दरबार में आए तो तकदीर बनती है।